हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना खिचड़ी बनाना, जिसके लिए हमने लिए हैं 50 ग्राम मूंगफली भुना हुआ, जिसको हमने छिलका उतार लिए हैं, 150 ग्राम बड़ी वाली साबूदाना, जिसको हमने ओवरनाइट पानी में भिगोए हैं, 2 बड़े चम्मच घी, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 1 टमाटर कटा हुआ स्वाद अनुसार नमक, 2 आलू उबला हुआ, 1/2 घंटा धनिया कटी हुई, 12 से 14 कड़ी पत्ते, 1 इंच अदरक लंबे टुकड़े में कटे हुए, जीरा 1 चम्मच। अब इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे, जिसमें डालेंगे हमने जो घी लिए थे उसको। घी के अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद घी में डालेंगे जीरा, जीरा चटक जाने के बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह चला देंगे। फिर डालेंगे कड़ी पत्ते, डालने के बाद भी इसे हम चला देंगे। फिर डालेंगे मूंगफली, डालने के बाद इसे अच्छे से चला देंगे। फिर डालेंगे साबूदाना। दोस्तों, साबूदाना जब भी आप भिंगाएं, इसका पानी साफ से निचोड़ के फिर बनाएं खिचड़ी, ये चिपकेगी नहीं और बहुत ही अच्छा बनेगा। साबूदाना को हम अच्छी तरह चला दिए हैं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर, डालने के बाद इसे अच्छी तरह चला देंगे। फिर डालेंगे उबला हुआ छिला कटा आलू, स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, अगर आप व्रत में इसे बनाते हैं तो आप इसमें सिंधा नमक यूज कीजिए। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह चला देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छी तरह मिला दिए हैं। हमारा खिचड़ी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे एकदम स्लो गैस में। 2 मिनट हो गया दोस्तों। चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं कैसा है। ये देखिए दोस्तों, कितना खिला खिला है हमारा साबूदाना खिचड़ी। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट शेयर करना मत भूलिए। इसे चलाते रहेंगे दोस्तों, अगर आप इसे चलाते नहीं रहेंगे तो यह नीचे चिपक जाएगा। अब इसे चलाते रहे बीच बीच में। अब इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे लो गैस में।
फिर से इसे चला लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे कटी हुई हरी धनिया। धनिया डालने के बाद इसे फिर से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है साबूदाना खिचड़ी। अब इसे हम सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा साबूदाना खिचड़ी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।